देख सकते हैं एक दो तीन चार चार ड्रमों में लाला की छीछी क्या बोले जाते हैं छीछी प्रसादी। बहुत सामान मिलाकर के लुटाया जाता है। भगवान का जन्म हुआ, भगवान की खुशखबरी के लिए ग्वाल बाल जो है दान लेने के लिए आते हैं घर में। हाँ बोलो दाऊ जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल ब्रज दर्पण में। और ब्रज दर्पण आज आपको लेकर आया है, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बोर्ड, ये दाऊ जी महाराज का मंदिर जो कि ब्रजमंडल के बलदेव गांव में आता है। आज यहाँ पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ भैया को जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसी जन्म के दर्शन कराने के लिए हम आपको आज इस बलदेव गाँव में लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं आज ललिता छठ भी मनाई जा रही है, ललिता छठ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले दाऊ जी में किस प्रकार का यहाँ पर आनंद है आज दाऊ भैया के जन्म का आप देख रहे हैं। इस समय हम लगभग मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ खड़े हुए हैं। आप वो बोर्ड भी दिखा सकते हैं, ये मंदिर श्री ठाकुर दाऊ जी महाराज का ये मंदिर है। और आज जो यहाँ का आनंद है वो दिव्य आनंद है और उसके दर्शन के लिए हम आपको आज दाऊ जी लेकर आए हैं। आइए चलते हैं 1 किलोमीटर अंदर, किस तरह का आनंद है इसके अंदर उसका हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह का यहाँ पर हुजूम है भक्तों का, क्योंकि ब्रज को राजा कहो जाए नहीं, ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज का आज जन्म उत्सव है। तो ब्रज दर्पण परिवार आज दर्शन करेगा दाऊ जी महाराज के जन्म उत्सव का। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं ऐसे दिव्य धाम का। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम दाऊ जी मंदिर के लिए जा रहे हैं इस रास्ते के सारे, और किस तरह का यहाँ पर हुजूम है भक्तों का आप देख सकते हैं। और आज का दिन विशेष है ब्रजमंडल के लिए, क्योंकि आज ब्रज के राजा दाऊ जी और राधा रानी की सबसे प्रधान सखी ललिता जी का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है ब्रजमंडल में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम दाऊ जी महाराज के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है। लेकिन यहाँ मैंने स्पेशल एक चीज़ देखी है कि जो प्रसाद में मिश्री देख सकते हैं, मिश्री का चलन बहुत है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण और दाऊ भैया की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो है मिश्री का प्रसाद। और हम बिल्कुल मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं। इस समय आप दिखा सकते हैं कि दाऊ जी महाराज का आज जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर उसका आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और ये मुख्य द्वार आप देख सकते हैं श्री दाऊ जी महाराज का, इसके अंदर प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं ब्रज के राजा दाऊ महाराज के जन्मोत्सव का। आज जो दाऊ जी महाराज को जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आप देख सकते हैं उसकी तैयारी किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। ये देखिए बड़ा ये नगाड़ा है। आप कहाँ से आए? कोसी से। कोसी से हाँ। तो आज दाऊ बड़ी कोसी से मतलब कोसी कला, कोसी कला। तो ये आज विशेष तौर पे दाऊ जी के जन्म जन्म में ही आए? हाँ, दाऊ जी का उसमें लगाए गए हैं आज ये। तो ये हर साल आते हैं कि आज की बार? नहीं, ये मेरे को पहली बार लगाया है। अच्छा अच्छा। और ये लगाया है ब्रज तीर्थ परिषद ने। उनकी तरफ से? उनकी तरफ से। कब शुरू होगा ये? ये अब शुरू किया है, अभी फिर शुरू होगा। अच्छा अच्छा। चलता रहेगा, आज परिक्रमा भी होगी। तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाऊ भैया के इस जन्मोत्सव को कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर मनाया गया है कि बता रहे तीर्थ विकास ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर कोसी कला से एक टीम आई हुई है जो कि इस नगाड़े को बजाएगी, क्योंकि ब्रज को राजा कहो जाए। और ये बजा के भी बताएंगे, बाबा बजा के दिखाओ थोड़ा। ये देखिए आप, ये ब्रज की अपने आप में अद्भुत। दाऊजी महाराज की जय। दाऊजी महाराज के मंदिर प्रांगण में जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो वो आनंद की जो अनुभूति है ब्रजमंडल की वो हमको दिखाई दे रही है। और आपको मैं उस बाजार के बारे में बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के चारों तरफ कितनी सुंदरता से भगवान दाऊजी महाराज के यहाँ पर श्रृंगार का सामान हो या फिर आपका जितना भी पूजा का सामान हो वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय जब दाऊजी मंदिर के प्रांगण में हैं मंदिर में, तो हमने विशेष रूप से देखा है कि मिश्री का प्रसाद हमने हर जगह देखने को मिला है। तो हमारे साथ ब्रजवासी हैं जो कि यहाँ पर ही ये दुकान करते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि इसका क्या विशेष है दाऊ जी से। श्री दाऊ जी महाराज का पहला बोल दाऊ जी महाराज मासम मिश्रिया बोल रहता है।
जय विख्यात प्रसिद्ध मिश्री है माठन मिश्री, श्री दाऊजी महाराजा, दूसरा भोर राजभोर, तीसरा भोर भानता भोर, चौथा भोर सैन भोर, श्री दाऊजी महाराजा माठन मिश्री का भोर रहता है। कितने भी दिन धरो अभी मिश्री साहब नहीं हो रही और मिठाइयाँ साहब होती है, तो इसलिए दाऊजी महाराज ने माठन मिश्री का भोर आरोप किया है। औसम मिठाई खराब हो जाती है, इसलिए दाऊजी महाराज ने माठन मिश्री का माल भोर आरोप किया है। अब हमारे ठाकुर जी हो या दाऊ भैया हो, दोनों का तो ये मेन प्रसाद ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय। जैसा कि इन्होंने हमको बताया कि मुख्य रूप से दाऊजी महाराज के लिए ये प्रसाद होता है यहाँ पर, और यही प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है, और हम बार बार देख रहे हैं कि जितनी भी दुकानें हैं सब पर ये प्रसाद मुख्य रूप से सबसे हाईलाइट हो रहा है। और ये मंदिर प्रांगण के बिल्कुल बाहर में है। अब हम जो एंट्री करने वाले हैं मुख्य मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मंदिर श्री ठाकुर दाऊजी महाराज बलदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम फाइनली मंदिर प्रांगण के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर कि आज ब्रज के राजा दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और समस्त ब्रजवासी जो है कि अपने आनंद में यहां पर डूबे हुए हैं। और उसी कड़ी में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज दाऊजी महाराज के जन्म के साथ साथ राधा रानी की प्रमुख सखी ललताजू का भी आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में। तो आज ब्रज के लिए बड़ा विशेष दिन है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो तैयारी है वो अपने आप में अद्भुत है, और ये मंदिर प्रांगण का आप नज़ारा देख रहे हैं। जन्म से अभी एक घंटे का समय है, लेकिन भक्तों में किस तरह का आनंद है वो आप देख रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। मैं पूरा मंदिर प्रांगण के आपको दर्शन करा रहा हूँ इस समय, और ये मुख्य मंदिर है आप देख सकते हैं दाऊजी महाराज का। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम दाऊजी महाराज के मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं, तो हमारे कुछ भक्त हैं और हमारे YouTube चैनल ब्रज दर्पण को भी आप देखते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं आपके। अरे वाह, कहाँ से आए आप? नोएडा से। नोएडा से? जी हाँ जी। तो आप इस मंदिर में पहली बार आए हैं इस दिन पे या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ जी, पहले भी। अच्छा, तो आज दाऊजी महाराज का जैसे जन्म है, भगवान कृष्ण के बड़े भैया आएंगे और ब्रज के राजा भी इनको कहा जाता है, तो इस जन्मोत्सव में पहली बार है कि इससे पहले भी? पहली बार आए आज, जन्मोत्सव में पहली बार आए हैं, लेकिन मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर में आ चुके हैं, जन्मोत्सव पहली बार मना? पहली बार मना। बहुत भाग्यशाली हैं आप आज। हाँ जी, बिल्कुल भाग्यशाली हैं जी। नहीं, आपको दाऊजी महाराज के जन्म में पहली बार आए हैं? हाँ जी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इनके बड़े सुंदर भाव हैं और मंदिर आते जाते रहते हैं, लेकिन पहली बार जन्मोत्सव में आज शामिल हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि दाऊजी महाराज की आज कृपा हम पे हुई है जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ में एक प्रभु जी और हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं, हम साथ ही हैं। अच्छा, आपकी एक ही टीम है पूरी? पूरी टीम। अरे वाह, तो आज तो बरसाना में भी बरसाना से होकर आए, तो ये पूरा ब्रज का आनंद ले रहे हैं आप देख सकते हैं, और ठाकुर जी की इन पर विशेष कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाऊजी महाराज के जन्म से पहले किस तरह पर यहाँ पर ब्रजवासी वो हवन का यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। ये हवन हो रहा है दाऊजी महाराज के जन्म के उपलक्ष्य में, और इस हवन के होने के बाद में यहाँ पर जन्म अभिषेक के हम सब दर्शन करेंगे, और उसके बाद किस तरह से एक प्रसाद के रूप में यहाँ पर जो विशेष माना जाता है कि भक्तों में जो लुटाया जाएगा, जिसे हमें लाला की छींची बोले हैं, उसे दधी प्रसाद के रूप में हम मानते हैं। आइए चलते हैं और आपको ऊपर के व्यूज दिखाते हैं, ऊपर से मंदिर का व्यूज किस तरह के यहाँ पर दर्शन होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मंदिर प्रांगण पर खड़े हुए हैं, और आपको यहाँ से जो नज़ारा दिखाएं आज के इस दिव्य आनंद का, जहाँ पर कि दाऊजी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और आप जो दर्शन कर रहे हैं ब्रजमंडल के बलदेव गांव के दाऊजी महाराज का, यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया जो कि ब्रज को राजा इन्हें कहो जाए, आज उनको जन्म उत्सव मनाया जा रहा हो, जो कि अपने आप में बड़ा अभूत ये दिन है हमारे सब ब्रजवासियों के लिए। और दाऊ भैया के साथ साथ आज ब्रजमंडल में हमारी राधा रानी की प्रधान सखी ललताजू को भी जन्म मनाया जा रहा है। दाऊ भैया के जन्म से पहले कुछ ही पल पहले किस तरह का यहाँ पर आनंद है आप देख सकते हैं। भक्तों का हुजूम तैयार है, ब्रज के राजा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, और मंदिर में इस समय अभिषेक की तैयारी चल रही है, और नेट 12 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है, और उसी के अनुरूप यहाँ पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम आप सभी ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आज का यहाँ आनंद लेंगे, जो कि बलदेव गांव के दाऊ जी महाराज का यहाँ आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसका दर्शन हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से करेंगे। दाऊ जी महाराज की छत से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है, जो कि आज जो आनंद यहाँ बरस रहा है ब्रज में, आज हमारे दाऊ जी भैया का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है,
और उसका दर्शन आप बलदेव गांव से कर रहे हैं, दाऊजी मंदिर से कर रहे हैं ब्रजमंडल के, जहां पर दाऊजी भैया का आज जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं भक्त धूप में इतनी तेज गर्मी में भी अपने ब्रज के लाडले ब्रज के राजा दाऊजी महाराज के जन्म उत्सव का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दाऊजी महाराज का जन्म उत्सव चल रहा है और अभिषेक चल रहा है, मैं आपको दर्शन कराऊं, काफी भीड़ है और हम आपको यहां से दर्शन कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय अभिषेक चल रहा है और दाऊजी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाऊजी भैया का अभिषेक हो चुका है, जन्म हो चुका है, उसके बाद किस तरह का यहाँ पर ये आनंद है आप देख रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, जहाँ पर कि आज हम आपको दर्शन कराने आए जिन्हें ब्रज को राजा कहा जाए, दाऊजी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है यहाँ पे, और भीड़ होने का कारण है कि आज ब्रज के जो प्रमुख हैं जिसे हम दाऊजी महाराज के नाम से जानते हैं, आज उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रज के राजा दाऊ भैया का जन्म हो चुका है और जन्म के बाद मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ पुजारी जी हैं और इनसे जानेंगे ये किस तरह का प्रसाद है। ये जीजी प्रसाद ये ठाकुर जी की जो भक्तों पर लुटाई जाएगी, फेंकी जाएगी ये भक्तों के ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ दाऊ जी की। इसके साथ नारियल और फल फलहारी सब्जी लुटेंगे ठाकुर जी के उपहार लुटेंगे भीतर से। तो ये जो आप बना रहे हैं ये विशेष प्रसाद ही माना जाता है? ये विशेष प्रसाद ही माना जाता है, ये दही हल्दी और माखन मिला के बनाई जाती है ये प्रसाद ठाकुर जी भक्तों के लिए, प्रसादी डालने के लिए बनाई जाती है ये। तो इसकी तैयारी आज सुबह से ही होती है? हाँ सुबह से ही होती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चार ड्रमों में लाला की छींची, क्या बोले जाते हैं? छींची प्रसादी, छींची प्रसादी। इसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आप देख सकते हैं दाऊजी मंदिर के बाहर किस तरह का ये प्रसाद, विशेष प्रसाद, क्योंकि ब्रज जो है वो अपने आप में बड़ा अनोखो है। यहाँ समझ में के काजे तो ब्रह्मा भी धीमे पड़ गए, लेकिन ये जो भाव है ये अपने आप में बहुत सुंदर है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। दही बहुत सामान मिला करके लुटाया जाता है, भगवान का जन्म हुआ, भगवान की खुशखबरी के लिए ग्वाल बाल जो है दान लेने के लिए आते हैं घर घर में। हाँ तो घर घर में दान लेने के लिए आते हैं। जय दाऊ जान की, नंद के आनंद में आनंद होगा, अभी घनश्यावर बाल छद होगी, सब बाल गोपाल मिल के आनंद लेंगे, ठाकुर जी का नारियल उपहार लुटेंगे, सब लूटेंगे, भक्त लूटेंगे, आनंद होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रज का जो राजा है, ब्रज के जो लाडले हैं, आज दाऊ भैया को जन्म है, तो सभी ब्रजवासी अपने आनंद में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय बोल दाऊ जी महाराज की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दाऊजी महाराज के जन्म के बाद जो विशेष प्रसादी है आप देख सकते हैं, इसे भांग की प्रसादी बोले हैं। बाबा हमारे साथ में, बाबा सुन नाम क्या? मेरा नाम गिरिराज पांडे। अच्छा जी, तो आप यहीं पे सेवा पुजारी? हाँ यहाँ के सेवा पुजारी गुसाई हैं। बाबा ये किस तरह की तैयारी है? लाला तो है, बाबा को रायतो, मेवन को रायतो है, काजू पिस्ता मेवा को रायतो धरायो है। अपने अपने रंग रूप है ब्रजवासिन के, तो बाबा मेवा को रायतो बना के लाए दाऊ भैया के काजे, और ये देखिए आप क्या अद्भुत आनंद है ब्रज में, जब ब्रज के राजा दाऊजी महाराज को जन्म भयो है तो सब ब्रजवासी अपने आप में अद्भुत है। और ये लाड़ू देखो, लाड़ू देखिए आप, ये हमारे दाऊ भैया के लिए लेके आए बाबा, और कहीं ना कहीं ये वही भाव है तो आनंद हमारे दाऊ भैया के लिए लेके आए बाबा, और कहीं ना कहीं ये वही भाव है तो आप प्रेम करते आनंद दाऊ जा रहे तो बड़ो आनंद। तो ये अद्भुत आनंद आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण से। जैसा कि अभी हमने दर्शन किए दाऊ भैया के दर्शनों के बाद मंदिर में किस तरह का आनंद है जन्मोत्सव के बाद, आइए आपको दिखाते हैं ये आनंद दाऊ जी मंदिर प्रांगण से। आप ये देखिए, बोलो दाऊ भैया की जय।
आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। दाऊ जी मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।